I request all the viewers to kindly pay your due reverence and attention to the reading that I have taken from the Holy Bible. संत लूकस अध्याय 2 पद संख्या 21 से 40 में प्रभु यीशु के जन्म के पश्चात उनका खतना अथवा शुद्धिकरण मंदिर में समर्पण सिमियोन नामक एक धर्मी व्यक्ति द्वारा बालक यीशु के प्रति महिमा और स्तुति अन्ना नामक नबिया द्वारा प्रभु यीशु के प्रति स्तुति और आराधना तथा नाजरेत में प्रभु यीशु के बाल्यावस्था का वर्णन किया गया है। 8 दिन बाद बालक के खतने का समय आया और उन्होंने उसका नाम ईसा रखा। स्वर्गदूत ने गर्भाधान के पहले ही उसे यही नाम दिया था। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के दो बच्चे बलिदान में चढ़ाएं। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी माता मरियम से कहा, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असीर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सब को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है।